नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है 3i इन्फोटेक। तो जो 3i इन्फोटेक, आपको पता होगा ये आईटी सेक्टर का बहुत ही दमदार स्टॉक है। बहुत ही इस शेयर ने तगड़े रिटर्न दिए थे लोगों को, बना के काफ़ी ज़्यादा लोगों को पैसा बना के दिया है अभी तक। और अभी जो खबर आई है इसमें, आपको पता होगा कि ये कंपनी जो है डीलिस्ट भी होने वाली है। लेकिन ये कंपनी डीलिस्ट खत्म नहीं होने वाली है, कंपनी दोबारा से डीलिस्ट होने वाली है। ऐसा नहीं कि कंपनी खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो ये दोबारा शेयर रिलिस्ट होने वाला है, तो रिलिस्ट होकर ये दोबारा से आएगी और फिर से धमाका मचाएगी, बूम करेगी दोबारा से। तो रिलिस्ट होने का रीज़न क्या है कि कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा कर्जा हो चुका था। कंपनी को अपने कर्जे चुकाने के लिए अपनी होल्डिंग्स को पूरे तरीके निकालना पड़ा, लेकिन अब कंपनी अपनी जो डीलिस्ट की प्रक्रिया को पूरी करके रिलिस्ट करेगी। तो कंपनी एक नए अवतार में आपके सामने आने वाली है और धमाका मचाने वाली है। अभी जो है इन्होंने अपने SOA जो बता दूँ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के लिए अप्लाई कर दिया। इन्होंने इनकी जब डेट आने ही वाली है कुछ दिनों में, जैसे ही SOA की डेट आएगी आपको ये कंपनी दोबारा से रिलिस्ट होते हुए दिखाई देने वाली, और का जो शेयर है वो भी बहुत जल्दी ऊपर जाता हुआ दिखाई देने वाला है। इससे जुड़ी हुई एक खबर भी आ रही है, हम इस वीडियो में जिन टॉपिकों को कवर करेंगे हम आपको बताएंगे। एक खबर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि कंपनी का शेयर ऊपर जाने वाला है। उसके अलावा मैं आपको कंपनी के फंडामेंटल्स बताऊंगा, कंपनी के कैसे क्या फंडामेंटल्स है, और इसके अलावा चार्ट पर भी देखेंगे कि इसके आगे के क्या टारगेट्स हैं, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको सब बताऊंगा इस वीडियो में। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहें। तो भी हम चलकर देखते हैं कि इसमें कैसी क्या ट्रेड चल रही है। इसमें जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे के दिन 5 पैसे की तेजी देखने को मिली थी, अभी ये 9 रुपये 95 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इसमें ऑलमोस्ट 0.51% की तेजी देखने को मिली थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। मैं आपको बताऊँ 1 वीक में इसका क्या हाल रहा है। तो 1 वीक में अगर देखें तो इसमें लगभग 1.02% की आसपास की तेजी देखने को मिली थी, 10 पैसे की इसने तेजी दिखाई थी 1 वीक में। एक मंथ का देखें तो एक मंथ में इसमें लगभग 12.43% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। इसमें 1.10 रुपये की तेजी देखने को मिली है एक महीने में। 11 इसने लगभग अपना 11 रुपये का हाई बनाया था, उसके बाद से इसमें गिरावट देखने को मिली थी, लगातार ये गिरावट जारी है और अब ये दोबारा से तेजी पकड़ चुका है। 6 महीने में देखें, 6 महीने का इसका क्या हाल है, 6 महीने में इसमें 41.13 लगभग 41.13% के आसपास की इसमें तेजी दिखाई दी है, जो कि 2.90 रुपये के आसपास की तेजी है। तो काफ़ी अच्छा इसने शेयर ने परफॉर्म किया है और कंपनी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो है इंडिया में अपना जो आईटी का बूम है बहुत ही जल्दी आने वाला है। 5G के आने के साथ साथ इंडिया में जो है आईटी सेक्टर का बहुत ही तगड़ा बूम देखने को मिलने वाला है, ये बात ही पक्की है। तो ये शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ये जो शेयरों के लिए अपॉर्चुनिटी बन के आने वाली है। तो ये शेयर अगर इस बात का फ़ायदा उठा पाते, क्योंकि कंपनी को अगर सस्टेन करना है इस अपने इंडिया में अच्छा परफॉर्म करना है तो इन सबको अच्छा परफॉर्म करना ही होगा, वरना ये कंपनी खत्म हो जाएंगी, सीधे सी बात है। तो इन कंपनियों को अपना अच्छा परफॉर्मेंस देना होगा अपने आने वाले समय में। अब हम चलकर देखते हैं खबर क्या है इसमें। तो खबर आप देखें तो इसमें एक जो महत्वपूर्ण खबर है वो है इसमें आप देखें 3i इन्फोटेक टू हायर 1000 टेक्निकल स्टाफ। तो ये कोई आपको लगेगा कि बहुत कोई इंपॉर्टेंट खबर नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि आपको ऐसा पता होगा कि कोरोना के टाइम पर लोग एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं, क्योंकि जो कंपनी लोग नए लोगों को हायर करने में डर रही है, तो ये कंपनी क्या कर रही है, उल्टा हायर करने की ओर बढ़ रही है। तो इसकी बात से ये पता चलता है, इस बात से ये थोड़ा सेंस निकल के सामने आता है कि कंपनी में कुछ ना कुछ धमाका होने वाला है, कुछ ना कुछ कंपनी में होने वाला है, तभी तो ये कंपनी इतनी ज़्यादा हायरिंग कर रही है। क्योंकि 1000 स्टाफ को टेक्निकल स्टाफ को हायर करना एक कंपनी के लिए, क्योंकि जो कंपनी का जो बताएं एक कंपनी लॉस में चल रही है, तो और डीलिस्ट भी होने वाली है, डीलिस्ट का तो रिलिस्ट होने वाली है, तो उसके लिए ये चीज़ करना एक आपको जोर देती है कि ये कंपनी में कुछ ना कुछ धमाका होने वाला है। तो ये खबर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लिहाज से मैंने आपको समझा दिया कि क्यों ये खबर इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इसमें कुछ ना कुछ धमाका आ गया कि होने वाला है। हम चल के देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे क्या हैं। तो फंडामेंटल अब चल के देखें तो कंपनी में जो कंपनी देखें आईटी सेक्टर की कंपनी है, आईटी सर्विस एंड कंसल्टिंग। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ तो जो उनकी सर्विस वाली जो इनका सेक्टर है वो जाके इनका जो शेयर है उनको बेचने वाले हैं। मैंने आपको एक चीज़ और बता दी कि इनकी जो सर्विस वाली चीज़ है, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर वाला जो इनका काम है उसकी जो सेक्टर है उसको ये बेचने वाले हैं, मतलब कि उसके शेयर को बेचने वाले हैं। तो और स्मॉल कैप क्या है, स्मॉल कैप कंपनी है यही, मतलब अपना ये उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो स्मॉल कैप है, लगभग 1608 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशियो देखें तो पी रेशियो इनका 4.11 के आसपास का है, पी रेशियो 2 के आसपास का है। सेक्टर के पी से देखें तो सेक्टर के पी से इनका पी काफ़ी ज़्यादा कम है, सेक्टर का पी 33.13 के आसपास का है, सेक्टर का पी भी 8.37 के आसपास का है। तो आप देखें तो
सेक्टर के पी और पीबी से दोनों जो है इनके कम है। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन ये जो कंपनी है बहुत जल्दी ऊपर आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि आपको पता होगा कि सेक्टर में बहुत बड़ी बड़ी कंपनी ऑलरेडी उपस्थित है। इस वजह से ही कंपनी जो है पी रेशियो, इसका पी रेशियो थोड़ा सा कम समझ में आता है, क्योंकि कंपनी आपको बताऊँगी इनके कंपटीटर देखें तो इन्फीबीम एवेन्यू जैसे इनके बड़े बड़े इनके जो है कंपटीटर्स हैं, तो इसकी वजह से इनका थोड़ा सा पी कम समझ में आता है। तो इनकी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इनका फाइनेंशियल ट्रेंड। फाइनेंशियल ट्रेंड पर आप गौर करें तो इनका फाइनेंशियल ईयर 2019-20 था, इसमें इन्होंने लगभग 1.58% के आसपास की तेजी दिखाई थी रेवेन्यू में, और प्रॉफिट भी इनका 0.54% के आसपास का इनका रेवेन्यू हुआ करता था, और इनका लगभग 1.16% के आसपास का इनका प्रॉफिट हुआ था, रेवेन्यू इनका जनरेट हुआ था इनका 2019 फाइनेंशियल ईयर में। तो काफ़ी अच्छी तेजी दिखाई थी और ये अच्छा परफॉर्म कर रहे थे फाइनेंशियल ईयर 2019 में। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई 2020 में, जो इनके फाइनेंशियल 2020 वाला जो आया था 2020 और 2021 वाला, इन्होंने प्रॉफिट तो बहुत तरह जनरेट किया, लगभग आप देखें तो बहुत ही खतरनाक इनका प्रॉफिट था, ऑलमोस्ट 478.5% के आसपास का इनका प्रॉफिट हुआ करता था, किसमें फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में, क्योंकि इनका देखिए तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बूम मचा दिया था 2020-21 में, सारे रिकॉर्ड अपने तोड़ दिए थे इन्होंने, लेकिन रेवेन्यू इनका थोड़ा सा कम हो गया था, माइनस में थोड़ा सा चला गया था। तो इसमें कोई दिक्कत की घबराने बात नहीं है, घबराना हमें बिल्कुल भी नहीं है, इसमें हमें पेशेंस रखना है, बहुत अच्छा ये कंपनी परफॉर्म करने वाली है आगे आने वाले समय में। अब देखते हैं कंपनी का फाइनेंशियल कैसे क्या रहा है, फाइनेंशियली कंपनी ने कैसा क्या परफॉर्म किया है लास्ट ईयर और इस साल में। देखिए टोटल रेवेन्यू देखिए, इसमें मैंने आपको बताया कम हुआ है, तो देखिए कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, 1160 करोड़ के आसपास इनका जो था वो रेवेन्यू था 2020 में। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनका जो रेवेन्यू रहा है वो 1155 के आसपास का रहा है, तो इसमें कम होता हुआ दिखाई दिया है, लगभग 5 के आसपास का इनका कम होता हुआ दिखाई दिया है। नेट इनकम में आप थोड़ा गौर करें, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इनकी नेट इनकम। नेट इनकम देखिए तो इनकी जो फाइनेंशियल ईयर 2020 थी उसमें इनकी नेट इनकम कितनी थी, वो थी 67.6 के आसपास की, लेकिन इसमें देखो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 391.16, सीधे सीधे इन्होंने अपनी इनकम को ऑलमोस्ट 5 गुना के ऊपर कर दिया है। तो देखिए तो कितना ज़्यादा इसमें तेजी आई है, इसने सारे रिकॉर्ड अपने तोड़ दिए हैं, जितने भी ये कंपनी पीछे की ओर जा रही थी ये कंपनी ने सीधे एक वक्त में बूम कर दिया, धमाका मचा के रख दिया है, अपना इनकम को सीधे बढ़ा के रख दिया इन्होंने। अर्निंग पर शेयर देखें तो अर्निंग पर शेयर भी इनके लिए बहुत ही धमाकेदार हुई है, 0.42 की हुआ करती थी अर्निंग पर शेयर, अब जाके देखें तो 2.42, सीधे 2 रुपये के आसपास की में अर्निंग पर शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो इसमें भी उन्होंने धमाका किया है बहुत बड़ा। अब देखते हैं इनकी होल्डिंग कैसी क्या है, होल्डिंग किसने कितनी ले रखी है, तो होल्डिंग तब चलते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग इसमें 0% है, क्योंकि आपको पता है कि प्रमोटर जो है अपनी होल्डिंग निकाल रहे हैं क्योंकि कंपनी को रिलिस्ट करना है, तो इसकी वजह से प्रमोटर होल्डिंग आपको जो है 0% दिखाई दे रही है। म्यूचुअल फंड की उसमें 0% होल्डिंग है। महत्वपूर्ण वो है कि मैं जो अपने DII है इसने इसमें पैसा अच्छा खासा लगा रखा है, 22.68% के आसपास की होल्डिंग है, वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की जो इसमें होल्डिंग है वो है 0.08% के आसपास की, तो बड़े लोगों ने इसमें अच्छा खासा अपना पैसा लगा रखा है। जो ज़्यादातर होल्डिंग है वो किसकी है, वो होल्डिंग है अपने रिटेलर्स की होल्डिंग, 77.24% के आसपास की होल्डिंग है रिटेलर्स की है, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा छोटे लोगों का भी लगा हुआ है, बड़े लोगों ने इसमें पैसा लगा रखा है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, कंपनी फंडामेंटली देखें तो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी प्रॉफिट में भी है, तो कंपनी में नेगेटिविटी किसी तरह से दिखाई नहीं दे रही है, कंपनी में नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव हर चीज़ दिखाई दे रहा है, लोग कंपनी नए एम्प्लॉयज़ को हायर भी कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी इसमें दिखाई दे रही हैं चीज़ें, अच्छी अच्छी इसमें चीज़ें सामने आ रही है। और जैसे जैसे कंपनी रिलिस्ट होगी तो इनका शेयर बहुत जल्दी 10 रुपये से 20 रुपये 100 रुपये भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और आगे जाके काफ़ी ज़्यादा बूम कर सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि आपका जो है IT का बूम इंडिया में बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। कंपनी जो है इंडिया में बूम कर सकती है, काफ़ी अच्छा तहलका मचा के रख सकती है, क्योंकि अपना इंडिया जो है IT सेक्टर में बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है, अगर ये अच्छी अच्छी अपने टेक्नोलॉजी लाते हैं, अपने आप को अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, तो ये शेयर काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है और आपको बहुत सारा पैसा बना के दे सकता है। तो अब चलिए देखते हैं चार्ट पर इसका कैसा क्या हाल चाल चल रहा है, चार्ट पर इन्होंने कैसा क्या परफॉर्मेंस दी है। तो चार्ट में देखें तो ये काफ़ी दिनों से जो इनका ये फेज था कि आपको मैं एग्जैक्टली बताऊँ तो ये लगभग 17 मई से लेकर और ऑलमोस्ट 15-16 जून तक ये इस रेंज में 1 रुपये के रेंज में फंसे हुए थे, ये जो इनकी रेंज थी काफ़ी दिन से ये इसमें घूम रहे थे, कंसोलिडेशन करके फेस चल रहा था, कंसोलिडेशन का फेस को इन्होंने जैसे ही तोड़ा, इस रेंज को जैसे ही तोड़ा तो ये किसने क्या किया बूम, सीधे पहुंचा कहां पर 11 रुपये पर, सीधे 9 रुपये से 11 रुपये इसने बढ़ोतरी दिखाई, फिर क्या हुआ इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद क्या हुआ ये इसमें खबर आई थी डीलिस्टिंग वाली, जो डीलिस्टिंग की जो खबर आई थी इस पर काफ़ी बुरा इफेक्ट पड़ा था,
लोगों को डर लग गया था, लोगों को लग रहा था कि हमारा पैसा डूबने वाला है, लोगों का पैसा खत्म होने वाला लोगों को लग रहा था। लेकिन जैसे ही उनको पता, जब उनको रियलाइज हुआ कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, तो दोबारा से इसमें अब तेजी आना शुरू हो गई है। ये तेजी काफी ज्यादा ऊपर जाने वाली है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो रियलिस्ट होगा, रियलिस्ट से आपका बिल्कुल भी नुकसान होने नहीं वाला है। उल्टा आपको हो सकता है कि अगर कंपनी पूरी तरह से अच्छी, पूरी तरह से डेट फ्री हो जाती है, अच्छा परफॉर्मेंस देती है, तो आपको और ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो आपको नुकसान तो कहीं से नहीं होने वाला, आपको उल्टा फायदा ही फायदा इसमें दिखाई देने वाला है। तो आपको क्या करना है, अगर आप इसमें फ्रेश पोजीशन अभी बनाना चाहते हैं तो इसमें फ्रेश पोजीशन अभी बना सकते हैं, या रियलिस्टिंग के बाद भी इसमें फ्रेश पोजीशन आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। आप इसमें आराम से अपना पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में भी आप इसमें पैसा अपना लगा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छी कंपनी समझ में आ रही है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आपको बताऊँ कि शॉर्ट टर्म में आप बोलेंगे सर आपके इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं, तो इंपॉर्टेंट आपके जो लेवल्स हैं, तो आपका पहला जो रहेगा वो रहेगा सपोर्ट, रहेगा 9 रुपये 55 पैसे के आसपास का आपका पहला सपोर्ट रहने वाला है। इस सपोर्ट का ये बहुत ही तगड़ा काम करने वाला है, ये सपोर्ट बहुत ही मुश्किल केस में टूटने वाला है, ये सपोर्ट मुझे टूटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर ये सपोर्ट रेयर केस में टूट भी जाता है, तो अगला सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट आपका ये रहेगा 8 रुपये 65 पैसे के आसपास का दूसरा सपोर्ट रहने वाला है। इस सपोर्ट को भी तोड़ पाना इसके लिए बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है। तो आपको जो मेन फोकस करना है कौन सा, 9 रुपये 55 पैसे पर, ये सपोर्ट का काम बहुत ही तगड़ा करेगा। तो ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट होने वाला है इस शेयर के लिए। और सेकंड सपोर्ट कौन सा होगा, इसके अगर इस सपोर्ट को तोड़ता है तो वो रहेगा 8 रुपये 65 पैसे के आसपास का सेकंड सपोर्ट रहने वाला है। ये आपको बहुत सेफ खेलने के लिए आपको मैंने बता दिया है कि 8 रुपये 65 पैसे सपोर्ट और 9 रुपये 75 पैसे के आसपास सपोर्ट। अब इसके टारगेट क्या रहेंगे, टारगेट जो रहने वाले हैं आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो उसने अपना हाई बनाया था वो रहेगा आपका 11 रुपये के आसपास का अपना पहला आपका रहेगा सब टारगेट। तो ये टारगेट आपको बहुत ही जल्दी अचीव होता हुआ दिखाई देगा। तो आप इस टारगेट को नोट कर लीजिए, ये आपके लिए पहला टारगेट रहने वाला है 11 रुपये का। आप अपना टारगेट रख सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस 9 रुपये 55 पैसे के आसपास का या 8 रुपये 65 पैसे के आसपास का अपना, अगर आप रिस्क ठीक ठाक उठा सकते हैं तो 8 रुपये 65 पैसे के आसपास अपना अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो आपका टारगेट हो गया 11 रुपये का और सबके सपोर्ट डेवल हो गया 9 रुपये 55 पैसे 8 रुपये 65 पैसे। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है, कंपनी बहुत अच्छी समझ में आ रही है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और फाइनेंशियली भी कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग समझ में आती है। तो आप पे आपको कंपनी पर ये करना है कि आपको कंपनी पर भरोसा करना है। लॉन्ग टर्म में भी कंपनी अच्छी है, शॉर्ट टर्म में भी कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो आपको क्या करना है, बस इसमें पेशेंस रखना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है और अफवाहों से बिल्कुल भी बचना है, अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो दोस्तों यही तक था हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार से अपने आप पे आराम पर बना रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के सलाह लेते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।